गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा देखिए, आज हम लोग जो हैं वो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसको शुरू करने वाले हैं सप्लीमेंट्री का, जिसका अदर नेम जो है वो स्नैपशॉट है। तो आज हम लोग स्नैपशॉट का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे और चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े की का ग्रीष्म काल के बारे में। यहाँ पे इसको लिखा है विलियम सोरोयार ने। देखिए बेटा, इस स्टोरी में होता ये है कि ये स्टोरी जो है दो अर्मेनियन बॉयज़ की है। अर्मेनियन बॉयज़ की दो स्टोरी है। तो दो गरीब अर्मेनियन लड़के हैं, छोटे छोटे से। और आपको बता दीजिए, अर्मेनियन क्या है? अर्मेनियन जो है वो एक अर्मेनिया एक देश है। अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें आपको कजाकिस्तान जो है उसी के पास एक कैस्पियन सागर पड़ता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अर्मेनिया जगह है। तो अर्मेनिया के दो लड़के थे जो एक ट्राइब, एक जो है कबीले से संबंधित थे। कबीला आप लोग जानते हैं, जंगलों में या छोटे छोटे से ग्रुप बना के लोग रहते हैं। तो जो कबीला से संबंधित थे ये लड़के, और ये कबीला जो है वो अपनी ईमानदारी के लिए, ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था। ये दो दो लड़के थे। ये कौन थे? आपस में कजिन्स थे। एक का नाम मौराद था और एक का नाम आरम था। और इन दोनों को हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है, वन डे, एक दिन, बैक देयर इन अ गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एनर्जी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। कि वन डे, एक दिन जो अच्छे पुराने दिन थे। अच्छे पुराने दिन कौन से होते हैं? बचपन के दिन होते हैं। तो जो स्टोरी वाले हैं यानी विलियम सोरेवान जो है वो अपनी स्टोरी को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पुराने अच्छे दिन थे, पहले एक दिन जो अच्छे पुराने दिन थे, व्हेन जब आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, जब ये 9 साल के थे, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, और जो संसार था वो भरा हुआ था प्रत्येक इमेजिनेबल यानी प्रत्येक कल्पना से भरे हुए मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस मीन्स होता है वैभव, शान। तो जो संसार था इनका, वो शान वैभव के एक काल्पनिक संसार प्रकार से भरा पड़ा था इनका संसार। कहने का अर्थ ये है कि देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमेशा कल्पना की ही दुनिया में रहते भी हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, भरोसा नहीं होता उनका। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल, और इनकी जो ज़िंदगी थी वो कैसी बनी हुई थी? डिलाइटफुल बनी हुई थी, प्रसन्न बनी हुई थी, प्रसन्नता से भरी हुई थी। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और इनके जो सपने थे वो कैसे थे? मिस्टीरियस थे, रहस्यमय थे। मतलब बच्चे इसी टाइप की चीज़ें करते हैं। माई कज़िन मुराद, मेरा जो कज़िन था जिसका नाम मुराद था, हु वाज कंसीडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, हर किसी के द्वारा उसको पागल समझा जाता था, पागल माना जाता था। क्रेजी मीन्स होता है बेवकूफ़, पागल, मूर्ख। तो हर किसी के द्वारा मेरे कज़िन मुराद को क्या माना जाता था? बेवकूफ़ माना जाता था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जिसको जाना जाता था सिवाय मेरे। एक्सेप्ट मीन्स होता है सिवाय, मतलब केवल ये ही उसे बेवकूफ़ नहीं समझते थे, बाकी पूरी दुनिया इनको, उस मुराद को क्या समझती थी? बेवकूफ़ समझती थी, क्योंकि ये उनके कज़िन थे तो ये नहीं मानते, साथ में खेलते थे। केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया। कौन आया? मुराद आया। एट 4, 4 बजे आया, इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे वो मेरे घर आया। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मुझे उठाया विंडो पर थपथपा कर, मेरे कमरे की जो विंडो थी उसको थपथपा के मुझे वोकअप किया, उठाया। और क्या कहा? ही सेड आरम, ही सेड, उसने कहा आरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट द विंडो। तो जैसे ही उसने मेरा नाम, आवाज़ पुकारा, उसने कहा आरम, तो आई जम्प्ड आउट, मैं कूदा। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट ऑफ विंडो, मैं बेड से कूदा और मैंने खिड़की से बाहर देखा। आई कुडेंट बिलीव वॉट आई सा, मैं विश्वास नहीं कर सकता था जो भी मैंने बाहर देखा था। मतलब ये इन्होंने बाहर जो भी देखा था उस पर ये विश्वास नहीं कर सकते थे। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया। तो देखिए, सुबह का 4 बजा हुआ था,
तो यहाँ पे बोले हैं आई वॉजेंट मॉर्निंग येट, अभी तक सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का मौसम था, एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स, और कई मिनट जो है वो दिन होने में बाकी नहीं थे, मतलब कुछ ही मिनट बाद क्या हो जाता, सुबह हो जाती, उजाला हो जाता। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के उस कोने में, किस कोने में, संसार के किस कोने में, जहाँ पर ये लोग रहते थे वहाँ पे कुछ ही मिनट में उजाला हो जाता। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा उजाला भी नहीं था। इट वॉज लाइट इनफ, मतलब प्रकाश काफ़ी था फॉर मी, मेरे लिए, टू नो, ये जानने के लिए, आई वॉजेंट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, पर इतनी लाइट बाहर थी जिससे मुझे ये महसूस हो सकता था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो कज़िन मुराद था वो एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर बैठा था। आई स्टक माई हेड, मैंने अपने सर को बाहर निकाला, आउट ऑफ विंडो, खिड़की से, एंड रब्ड माई आइज, और अपनी आँखों को रगड़ा या रब किया, रब मीन्स रगड़ना होता है। ओके, जबकि कोई बात विश्वास नहीं होती तो इंसान अपनी आँखों को रगड़ने लगता है। यस, हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने, मतलब मुराद ने जो है वो आर्मेनियन भाषा में कहा, क्या कहा, इट्स हॉर्स, इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, मेक इट क्विक, जल्दी करो, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम राइड करना चाहते हो, मीन्स अगर तुम सवारी करना चाहते हो, घोड़े की सवारी या बाइक की सवारी को क्या कहते हैं, राइड कहते हैं। ओके, आई न्यू माई कज़िन मुराद इन्जॉयड बीइंग अलाइव, मैं जानता था कि जो मेरा कज़िन है मुराद जो है वो इन्जॉय करता है अपनी ज़िंदगी को खुल कर, मतलब अपनी ज़िंदगी को खुल के काम करता है, देन एनी बडी इज़ हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड, संसार में और कोई भी जो आए होते हैं उन सभी से ज़्यादा मेरा जो मेरा कज़िन था मुराद जो था वो खुल के जीता था, बाई मिस्टेक, मतलब गलती से, बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये बट इट दिस वॉज मोर, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा था देन इवन आई कुड बिलीव, जिससे मैं विश्वास कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली जो मेरा पहली जो जगह थी, माई अर्लीस्ट मेमोरी, मेरी शुरुआत की जो यादें थी, हैड बिन मेमोरीज, वो क्या बन गई थी, वो मेमोरीज यानी यादें हो गई थी ऑफ हॉर्सेस, घोड़े की। देखिए इन दोनों लड़कों को क्या पसंद था, घोड़े पे सवारी करना, जैसे आजकल के लड़कों को क्या पसंद है, उनको बाइक पसंद है, KTM मिल जाए और ये सारी चीज़ें मिल जाए, पल्सर मिल जाए, अपाचे मिल जाए, उस पे चढ़ना पसंद है, इन लोग को घोड़ा, मतलब पुरानी बातें हैं ना, तो इन लोग को घोड़ा पसंद था, तो घोड़े की जो याद, मतलब उनकी जो अर्लीस्ट मेमोरी है यानी जल्दी की जो मेमोरी है वो क्या बन गई, यादें बन गई घोड़े की। एंड माई फर्स्ट लॉगिंग, और जो मेरी पहली जो लॉगिंग्स थे यानी जो पहली मेरी इच्छा थी, हैड बीन लॉगिंग टू राइड, वो क्या बन गई, मेरी राइड की, मतलब सवारी करने की इच्छा बन गई, इनकी पहली इच्छा क्या बन गई, घोड़े पे सवारी करने की इच्छा इनकी हो गई, और इनकी याद भी क्या हो गई, घोड़े की ही याद हो गई। तो इन्होंने पूरे चैप्टर में घोड़ा घोड़ा किया है, तो हम लोग भी चलेंगे घोड़े पे बैठेंगे। ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, कल हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।